सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज ऐसे समय में जब चीन की सीमा पर एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, भारत और चीन के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं, ऐसे समय में जब चीन हमारे कुछ इलाकों में जबरन घुसपैठ कर रहा है और हमारी सेना उनसे लड़ रही है, पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा संकट कोरोना के रूप में देश में आया है। इस वक्त में देश की दो राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हुई है, यह सब कुछ देखकर देश की जनता बहुत दुखी है। यह वक्त था, यह समय था जब सभी पार्टियों को मिलकर चीन से जो इस समय हमारी देश की सेना लड़ रही है उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, देश के साथ खड़ा होना चाहिए था। कोरोना से के संकट से जो पूरा देश जूझ रहा है, गरीब की मौत हो रही है, प्रवासी मजदूरों के कष्ट को हमने देखा, 80 लोग रेलवे के अंदर ट्रेन में अव्यवस्थाओं के कारण मर जाते हैं, इस देश में लोग भूख से मर गए। आज भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमाम अन्य राज्यों में केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस देश में हो चुके हैं। ऐसे समय में जब सभी पार्टियों को मिलकर चाइना से और कोरोना से लड़ना चाहिए, ये देश की दो राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, एक घिनौनी, गंदी और ओछी राजनीति राजस्थान के अंदर कर रही है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए धब्बा है, जो हमारे संविधान के ऊपर प्रहार है। और ये सब कुछ देखकर एक सवाल उठता है हर देशवासी के मन में, क्या इन दोनों पार्टियों को देश के लोगों की चिंता है? क्या इन दोनों पार्टियों को, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, बीजेपी को, कांग्रेस को, जो चीन के साथ हालात बने हुए हैं उसकी चिंता है? जो कोरोना से लोगों की जान जा रही है उसकी चिंता है? सिर्फ दिन रात सत्ता की चिंता? एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में विधायक खरीदने में लगी हुई है, दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसके अंदर की एक गंदी राजनीति चल रही है, उठापटक की, खरीदो बेचो की। और कांग्रेस पार्टी तो ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरे देश में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो वो गाना याद आता है कि मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, और जो जहां गिरा वहीं राज किया। कहीं भी कोई शामिल हो जा रहा है सत्ता की लालच में, मंत्री पद के लालच में, अपने आप को बेचने के लिए तैयार। और मैं ये पढ़ रहा हूं आंकड़े, कांग्रेस पार्टी किस राज्य में कितना बिकी, कितने एमएलए उसके भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिके और मंत्री पद के लालच में बिके। उत्तराखंड में 9 विधायक, अरुणाचल में 43 विधायक, मणिपुर में 4 विधायक, गुजरात में 16 विधायक, गोवा में 10 विधायक, कर्नाटक में 17 विधायक, मध्य प्रदेश में 20 विधायक और तेलंगाना में 12 विधायक, और अभी राजस्थान का नाटक चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में टुकड़े टुकड़े हो रही है। तो मैं समझता हूं कि आज जो हालात हमको राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहे हैं, पूरा देश
इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से सवाल पूछ रहा है कि आपको चीन के साथ जो हालात बने हैं उसकी कोई चिंता है क्या? आपको कोरोना के जो हालात देश में बने हैं उसकी कोई चिंता है क्या? आपको इस भारतवर्ष की और इस भारतवर्ष के लोगों की कोई चिंता है क्या? और अगर चिंता नहीं है तो इसका मतलब आप हर चीज में, हर परिस्थिति में, हर संकट में अवसर तलाशने का और ओछी राजनीति करने का काम करते हैं।